बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्रार हुसैन, तुम देख रहे हो काका फूड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे भैन भरा खैर नाल होंगे तो खुशबाच होंगे। आज मैं बना लाँगा मिक्स वेजिटेबल पकौड़े, जो बहुत ही मज़ेदार, तेनों बनाना बहुत ही आसान है। आओ वेखना मेरे सानू कि चीज़ें जरूरत है तो किस तरह तैयार होना है। बैगन बैगन लेते ने असी, पुदीना, हरी मिर्चा, पालक, बंद गोभी, आलू लंबे लंबे कटे हुए, प्याज, हरा प्याज, हरा धनिया, इमली, लसन का पानी, लाल मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया, मोटी मिर्चा, ज़ीरा, बेसन, मैक्रोनी और सूखी मेथी। पानी मैं उबालना सर रखता है, पानी उबल रहा है तो अद्धा कप मैं मैक्रोनी लीती सी, ठीक है, हम अस उबैल करा। अगर तुम पाना चाहो तो पा लो, नहीं पाना चाहो तो नहीं पीने। मिक्स वेजिटेबल सब्जियों के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। पहले एक टीस्पून असी नमक पा दें, ठीक है, हम असी बालना से रखता है, ठीक है। हाँ जी, असी प्याज फ्राई करा, फ्राई करके असी प्याज पाना है, ठीक है। तो उन्नी देर तो मैक्रोनी हो रही है, इन्नी देर असी प्याज फ्राई कर लें। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, मतलब तो फ्राई भी हो गया, मसाला फ्राई हो गया। प्याज असी फ्राई कर लिता, मैक्रोनी भी तैयार हो गई, उबाल लिता, ठीक है। तो हम असी सब तो पहले मसाला तैयार करांगे पकौड़ियां। पहले असी आलू, बैंगन इसी बरीक बरीक कट लेते हैं, बंद गोभी इन्ना लै गया, तेरा लच्छेदार पकौड़ा बनेगा तेरा। पालक एरा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है पकौड़े च। पुदीना पुदीना असी कटिया नहीं, सिर्फ पत्तर उतारे हैं, ठीक है ना, इनू असी कटना नहीं। हरा प्याज वो इसी बरीक बरीक कट लेता है, हरी मिर्च, हरा धनिया, खुशबू असें तो जैकी असें बहुत ही ज़बरदस्त, सूखा धनिया साबत, जवैन, लाल मिर्च पाउडर, दादर मिर्चा, साबत ज़ीरा, मैक्रोनी, फ्राई प्याज, बेसन, सूखी मेथी, इमली का पानी, पानी असी लसन का इस्तेमाल करांगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्ना बहुत ही खुशबूदार बनते हैं तो जायका बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। नमक असी एक खाने का चम्मच असी पावांगे, ठीक है, असी मिक्स करांगे। हाँ जी, माशाल्लाह मिक्स हो गया, अच्छी तरह सी मिक्स कर लेना ताकि कोई बेसन नहीं या कोई किसी चीज़ कोई गुठली ना हो। हाँ जी, माशाल्लाह घी गर्म हो गया, तो हूँ असी मसाला भी तैयार हो गया। हाली पतले पतले से पकौड़े कटने, ठीक है ना, तो पहले असी हाथ गीला कर लेना।
हिला देना चमचा नहीं, वो चम्मच नहीं मारना के ताकि पकौड़ा हली थोड़े नरम है टूटन टूटना जान, ठीक है ना। हम अगर असं दो तो तीन मिनट में असं ऐसा ही फ्राई करा गए। माशाल्लाह हल्के हल्के उसी फ्राई किया, माशाल्लाह पकौड़े तैयार हो गए ना। माशाला बहुत ही जबरदस्त पकौड़े बने ने, क्रिस्पी है ते सॉफ्ट भी ने, देख रहे हो माशाला हर सब्जी माशाला बिच है, माशाला मसालेदार सब वो भी सब बिच मिक्स ने, ते बहुत ही जबरदस्त खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तुसी जरूर ट्राई करने ने। अगर मेरी तुम वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो फैमिली मैंबर ना, दोस्तों ना, भैन भरावान ना। जहाँ मेरा भैन भरा मेरे चैनल से नवा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, तो पहले का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तक तक पहुँचता रहे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। काके इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो ना जल्द मिलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।